जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं घनश्याम स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का एक और बेहतरीन वीडियो के अंदर। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो हिस्ट्री के अंदर होने वाला है और आज हम पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों बंगाल के नवाब। ठीक है प्यारे दोस्तों, नवाब वर्ड सुनते ही आपके अंदर क्या फील आता है कि नवाब वही होता है जिसके अंदर प्यारे दोस्तों ताकत होती है और क्या जिसके अंदर क्या होती है प्यारे दोस्तों शासन चलाने की शक्ति होती है, उसे हम क्या बोलते हैं नवाब। ठीक है, तो नवाब सुनते ही जाहिर सी बात आपके मन में एक ही ख्याल आएगा कि जिसके हाथों में ताकत होती है। ठीक है, उसके बाद प्यारे दोस्तों हम बात करते हैं, हमारे नक्शा देख लेते हैं हल्का सा, ये जो ऐसा हमारा नक्शा है। उसके बाद में क्या था प्यारे दोस्तों, जो हमारा आज का बांग्लादेश है उस टाइम में क्या था, यहाँ पर बंगाल था। ठीक है, बंगाल और इसी के अंदर प्यारे दोस्तों बंगाल के अंदर ही बिहार और उड़ीसा भी आते थे। तो प्यारे दोस्तों कहा जाता है कि जो ये ऐसा क्या हुआ था कि बंगाल में अनेक विद्रोह हुए थे और बंगाल के ऊपर जो ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी वहीं पर ही, और प्यारे दोस्तों जो यूरोपियन आए थे उन्होंने कैसे कब्जा करने के लिए सोचा था बंगाल के ऊपर, ऐसा क्या था बंगाल के अंदर। तो आज हम सभी डाउट आपके क्लियर कर देंगे इसी वीडियो के अंदर, आपको बस वीडियो में आखिरी तक बने रहना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्यारे दोस्तों जो हमारा बंगाल है उसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते थे। बंगाल के अंदर हमारा आता था सबसे पहले बंगाल, दूसरा हमारा आता था प्यारे दोस्तों बिहार, और तीसरा हमारा आता था प्यारे दोस्तों उड़ीसा। ठीक है, ये तीनों जो जगह है प्यारे दोस्तों ये जो तीनों किसके अंदर आती थी, बंगाल के क्षेत्र के अंदर आता। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों क्या होता है कि ऐसा क्या मतलब कि कारण हुआ प्यारे दोस्तों, जो यूरोपियन कंट्री है प्यारे दोस्तों, जो यूरोपियन कंट्री के जो अंग्रेज शासक हैं वो हमारे बंगाल के अंदर आना चाहते थे, यहाँ पर अपनी कंपनी खोलना चाहते थे और अपनी कंपनी को बढ़ाना चाहते थे या फिर यहाँ की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। प्यारे दोस्तों सिंपल सा फंडा है कि जो हमारा जो यहाँ का जो बंगाल बिहार और उड़ीसा है यहाँ पर प्यारे दोस्तों जो उत्पादन होता था ना मसालों का, नील का, कपास का, सूती वस्त्र का, एक बहुत बड़े अमाउंट के अंदर होता था। ठीक है, जो हमारे जो नील का और जो कपास का यहाँ पर प्यारे दोस्तों जो उत्पादन होता था वो एक लार्ज अमाउंट में होता था, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी अमाउंट में होता था। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में, और यहीं से ही सप्लाई जाती थी यूरोप के लिए। ठीक है, तो यूरोपियन ने सोचा कि क्यों ना हम आकर इस देश में यानी कि यहाँ पर बंगाल में अपनी कंपनी खोलें और यहीं से हम अपना सस्ता माल खरीद लें इनसे, किसानों से। लेकिन प्यारे दोस्तों ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्यारे दोस्तों लास्ट में आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर बंगाल में जितने भी नवाब बने हैं, जितने भी नवाब ने यहाँ पर शासक किया है वो सभी आज हम आपको बताएंगे इसी वीडियो के अंदर, बस आपको वीडियो में आखिरी तक बने रहना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्यारे दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर प्यारे दोस्तों क्या था, सबसे ज़्यादा क्या था, मसालों का। ठीक है, मसालों का व्यापार होता था। दूसरा प्यारे दोस्तों नील का, तीसरा सूती वस्त्र और भी बहुत सी चीज़ें प्यारे दोस्तों जिसका यहाँ पर आयात और निर्यात होता था। प्यारे दोस्तों दूसरे देश के लिए यहाँ से मसाले, नील और सूती वस्त्र भेजे जाते थे। ठीक है दोस्तों, या कि अगर हम बात करते हैं प्यारे दोस्तों 1765 से लेकर के 1800 के बीच में, एक बार बीच में थोड़ा सा देख लेते हैं, 1765 से 1800 तक कहा जाता था कि 1765 से लेकर के 1800 तक लगभग 60% नील और जो जितने भी मसाले हैं काली मिर्च से लेकर के, नील और मसाले, ठीक है प्यारे दोस्तों 1765 से लेकर के 1800 तक नील और मसाले प्यारे दोस्तों लगभग 60% भारत से कहां जा रहे थे प्यारे दोस्तों, यूरोप के अंदर। ठीक है, कहां पर जा रहे थे, 60% मसाले और जो नील है यहां पर उत्पादन होती थी और कहां पर सप्लाई होती थी प्यारे दोस्तों, यूरोप के अंदर। ठीक है, तो यूरोपियन ने सोचा क्यों ना हम यहां पर आकर ही हमारी इंडिया में बंगाल में आकर ही हम क्यों ना अपनी कंपनी स्थापित कर लेते हैं यही कि यही फिर हम यूरोप में सप्लाई कर दिया करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों, एक बार इसको राइट डाउन कर लेते हैं सभी, इतना राइट डाउन करने का कुछ है नहीं, लेकिन एक बार इसको मिटा देते हैं उसके बाद में आगे देखेंगे। जितनी भी भारी डिमांड में मसालों की थी, जितनी भारी डिमांड प्यारे दोस्तों यूरोप के अंदर बहुत एक लार्ज अमाउंट में मसाले और नील, सूती वस्त्र और कपास, सभी ये हमारे जो बंगाल से सप्लाई हो रहा था। ठीक है, उसके बाद में अगर हम आगे बात करते हैं बंगाल का नवाब। ठीक है, जो बंगाल का पहला नवाब था प्यारे दोस्तों कौन था, पहला नवाब था मुर्शिद कुली खां। ठीक है, कौन सा था, मुर्शिद कुली खां। प्यारे दोस्तों जाहिर सी बात है ये बंगाल का पहला नवाब था, कौन था पहला नवाब बंगाल का, मुर्शिद कुली खां। ठीक है, कौन था, मुर्शिद कुली खां बंगाल का पहला नवाब। ठीक है, और कब से कब तक रहा प्यारे दोस्तों ये मुर्शिद कुली खां, ये रहा था प्यारे दोस्तों 1700 से 1727 तक। ठीक है, कब तक रहा था प्यारे दोस्तों 1700 से 1727 तक। ठीक है, ये बंगाल का नवाब रहा था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 1700 में बंगाल का एक दीवान था प्यारे दोस्तों, ये कब बना था, 1700 के अंदर प्यारे दोस्तों ये बंगाल का दीवान बना था।
और ये किसके जरिए बनाया गया था दोस्तों, 1700 में बंगाल का दीवान। उस टाइम पर प्यारे दोस्तों शासक किसका था वहां पर, वहां पर शासक था प्यारे दोस्तों औरंगजेब का। औरंगजेब के शासनकाल की बात है प्यारे दोस्तों, ठीक है, ठीक है प्यारे दोस्तों, औरंगजेब के, ठीक है। और उस टाइम पर प्यारे दोस्तों 1700 के अंदर ये बंगाल का नवाब बना था। उसके बाद में प्यारे दोस्तों आगे देखते हैं, उसके बाद में 1707 के अंदर अगला पॉइंट क्या देखो प्यारे दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा 1707 के अंदर जो औरंगजेब है उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। कब हो गई औरंगजेब की मृत्यु? 1707 के अंदर, ठीक है, जो औरंगजेब है इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसके बाद प्यारे दोस्तों जो औरंगजेब है उसका एक पोता है, ठीक है, औरंगजेब का पोता कौन है? अजीमुस्सान, ठीक है, अजीमुस्सान और मुर्शिद खान का विरोध हुआ था। जो अजीमुस्सान है जो औरंगजेब का पोता है प्यारे दोस्तों, उसने किसका विरोध किया? मुर्शिद कुली खां का, ठीक है, औरंगजेब का पोता, जो औरंगजेब है उसका एक पोता है, कौन है प्यारे दोस्तों? वो है अजीमुस्सान, ठीक है, अजीमुस्सान, ठीक है, अजीमुस्सान है और उसके अजीमुस्सान के बीच और प्यारे दोस्तों कौन था ये? मुर्शिद कुली खां। इन दोनों के बीच में प्यारे दोस्तों क्या होता है? विद्रोह होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है प्यारे दोस्तों? इसके बाद में जो विद्रोह होता है तो प्यारे दोस्तों क्या करता है, इसके बाद जो मुर्शिद है, जो मुर्शिद खां है, वो क्या करता है? अपनी राजधानी किसको बना देता है? ढाका को, ठीक है। जो ये मुर्शिद कुली खां है प्यारे दोस्तों, विद्रोह होने के बाद में मुर्शिद कुली खां अपनी राजधानी राजधानी किसे बना देता प्यारे दोस्तों? ढाका को, ठीक है। किसको बना देता अपनी राजधानी प्यारे दोस्तों? मुर्शिद कुली खां ढाका को बना देता है। उसके बाद में प्यारे दोस्तों, और अगर इतना सभी के समझ में आ गया तो एक बार सभी राइट डाउन कर लेंगे, अपना जितना भी नोट्स बनाना चाहते हैं बना लेंगे, फिर इसको इरेज करेंगे और उसके बाद में आगे देखेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको राइट डाउन कर लेंगे सभी, तो आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो आगे क्या होता है प्यारे दोस्तों? इसके बाद में क्या होता है 1717 के अंदर क्या होता है प्यारे दोस्तों? 1717 के अंदर जो फरुख सिकर, फरुख सियर, ठीक है, फरुख सियर, तो जो ये फरुख सियर होता है प्यारे दोस्तों, इसे बंगाल का सूबेदार बना दिया जाता है, ठीक है, इसे बंगाल का सूबेदार, जो फरुख सियर है इसे बंगाल का सूबेदार बना दिया जाता है, ठीक है। तो इस बंगाल का सूबेदार बनने के बाद में जो फरुख सियर है क्या करता है प्यारे दोस्तों? 1719 के अंदर उड़ीसा को भी बंगाल में ही मिला लेता है, ठीक है। 1719 के अंदर, 1719 के अंदर प्यारे दोस्तों क्या करता है? उड़ीसा को बंगाल में मिला लेता है, ठीक है। क्या करता है प्यारे दोस्तों? बंगाल का सूबेदार बनने के बाद में उड़ीसा को भी बंगाल में ही मिला लेता है, कब? 1719 के अंदर। और उसी के बाद में प्यारे दोस्तों क्या करता है? 1719 में ही क्या करता है प्यारे दोस्तों? 1719 में ही एक प्रथा शुरू करता है प्यारे दोस्तों, और उस प्रथा का क्या नाम होता है प्यारे दोस्तों? उस प्रथा का नाम होता है इजारेदारी प्रथा, ठीक है। इसने एक प्रथा शुरू करी, कौन सी? इजारेदारी प्रथा। अब आगे इसको बताएंगे कि जो इजारेदारी प्रथा थी ये क्या थी, इसके अंदर क्या होता था प्यारे दोस्तों? इसने क्या किया, जितना भी ये टुकड़ा होता था ना ये जमीन का बंगाल के अंदर, इसने छोटे छोटे किसानों में बंटवा दिया, जितने जितने जो जमींदार थे, बड़े बड़े जमींदार, उन्हें बंटा दिया, ठीक है, इनके हिस्से कर दिए। और इसमें से उसने कैसे कहा कि इन सभी हिस्सों की बोली लगेगी, और इसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा उसे ही दिया जाएगा जो जब सबसे ज़्यादा बड़ी बोली लगाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, ये जो टेंडर होता था प्यारे दोस्तों, ये जमीन का, ये 5 साल का होता था, और इसमें जो जमीन मिलती थी वो उसे ही मिलती थी, सबसे बड़ा जमींदार होता है उसे ही मिलती थी, और बाकी जो सबसे ऊंची बोली लगाता था उसे ही जमीन दी जाती थी प्यारे दोस्तों। और ये सब इसे कहा जाता था कि जो 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 जमींदार है, बड़े बड़े जमींदार, ये सभी क्या करेंगे? किसानों से कर वसूलेंगे और सीधा किसे जमा कराएंगे? फरुख सियर को, यानी कि उसके बंगाल के सूबेदार को, ठीक है। इससे क्या है, इसे ज्यादा घूमना फिरना नहीं पड़ेगा और इसके लिए आसानी से कर वसूल हो जाएगा। उसके बाद में आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों आगे क्या हुआ, एक बार सही राइट डाउन कर लेंगे इसको। तो आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों आगे क्या होता है। इन सभी के बाद प्यारे दोस्तों जो 1727 के अंदर एक नया ही बंगाल का नवाब आता है, कौन आता है? सुजाउद्दीन मोहम्मद खां। ये बार इसको इरेज कर लेंगे सभी। अब क्या होता है प्यारे दोस्तों, इसके बाद में जो एक नया नवाब बना दिया जाता है बंगाल का, वो कौन होता है प्यारे दोस्तों? बंगाल का नया नवाब
सुजाउद्दीन मोहम्मद खां, ठीक है, कौन होता है सुजाउद्दीन मोहम्मद खां बंगाल का नया नवाब बना दिया जाता है। कब प्यार दोस्तों, 1727 से लेकर के 1727 से लेकर कब तक प्यार दोस्तों, 1739 तक, ठीक है, 1739 तक इसे क्या बना दिया जाता है प्यार दोस्तों, बंगाल का नवाब। उसके बाद में प्यार दोस्तों कहा जाता है कि 1732 में बिहार को भी बंगाल में मिला दिया। जो सुजाउद्दीन मोहम्मद खां है प्यार दोस्तों, इसने क्या किया, 1732 में जो ये सुजाउद्दीन मोहम्मद खां है प्यार दोस्तों, इसने क्या किया, 1732 में जो बिहार है उसे भी किसमें मिला दिया प्यार दोस्तों, बंगाल में। बिहार को प्यार दोस्तों इसने 1732 में बंगाल में मिला लिया। और क्या हुआ प्यार दोस्तों, उसके बाद में बिहार का सूबेदार अली वर्दी खां को बनाया, ठीक है। और इसने क्या किया प्यार दोस्तों, जो बिहार है उसका सूबेदार अली वर्दी खां को बनाया, ठीक है। जो ये हमारा प्यार दोस्तों सुजाउद्दीन मोहम्मद खां है, इसने क्या किया, जो 1732 में बिहार को भी बंगाल में शामिल कर लिया, और उसके बाद में बिहार का जो सूबेदार है वो अली वर्दी खां को बना दिया। उसके बाद में प्यार दोस्तों जो दूसरे जो नवाब आए थे जो बंगाल के, उसके बाद में जो बंगाल के नवाब थे वो कौन थे प्यार दोस्तों, सरफराज खान, ठीक है प्यार दोस्तों, सरफराज खान। इसका शासन कब तक रहा, 1739 से लेकर के 1740 तक, ठीक है, 1739 से लेकर के 1740 तक प्यार दोस्तों जो ये सरफराज खान इसका शासक रहा। 1740 में इसने क्या किया प्यारे दोस्तों, मीरिया का युद्ध, ठीक है, 1740 में इसने क्या किया, मीरिया का युद्ध। तो प्यारे दोस्तों सरफराज खान है, इसने 1740 के अंदर मीरिया का युद्ध किया। उसके और प्यारे दोस्तों जो मीरिया का युद्ध होता है, सरफराज खान अली वर्दी जो कि बिहार का सूबेदार था, और प्यारे दोस्तों एक दो जो बड़े बड़े जमींदार थे उनके बीच में होता था, और इसमें क्या हो जाता है प्यारे दोस्तों, 1740 के अंदर जो ये अली वर्दी है जीत जाता है, और 1740 के अंदर प्यारे दोस्तों बंगाल का नया सूबेदार नवाब बनता है प्यारे दोस्तों, बंगाल का नया नवाब, बंगाल का नया नवाब बनता है प्यारे दोस्तों, कौन बनता है, अली वर्दी खां, ठीक है। तो ये इसको राइट डाउन कर लेंगे, मैं इरेज कर देता हूं, एक मिनट। उसके बाद प्यारे दोस्तों बंगाल का नया नवाब कौन बनता है, बंगाल का नया नवाब बनता है प्यारे दोस्तों अली वर्दी खां, ठीक है, बंगाल का नया नवाब कौन बनता है, अली वर्दी खां। और ये कब से कब तक रहा था प्यारे दोस्तों, 1740 से लेकर के 1756 तक, ठीक है, 1740 से लेकर के 1756 तक ये बंगाल का नवाब रहा। अब प्यारे दोस्तों इसके बारे में देखते हैं, इसने क्या किया प्यारे दोस्तों, जो एक रंगीला हुआ करता था उस टाइम पर शासक दिल्ली में, जो रंगीला को क्या किया प्यारे दोस्तों, इसने रंगीला को 2 करोड़ रुपए भेजे, ठीक है, 2 करोड़ रुपए भेज दिए, और उसे बोल दिया कि आज से जो ऑफिशियली शासक यानी कि ऑफिशियली नवाब था बंगाल का वो मुझे घोषित कर दिया जाए, ठीक है। पहले तो ऐसे जितने भी नवाब बने थे उनकी नहीं, लेकिन मुझे बंगाल का असली नवाब बताया जाए, इसलिए इसने क्या किया, रंगीला को 2 करोड़ रुपए भेज दिए, ठीक है, ठीक है, नवाब बनने के लिए, ठीक है प्यारे दोस्तों। इसने क्या किया, रंगीला को 2 करोड़ रुपए भेज दिए। उसके बाद प्यारे दोस्तों इसके समय ही प्यारे दोस्तों किसका आक्रमण हुआ था, जो अली वर्दी खां, इसके समय ही मराठों का आक्रमण हुआ था। जो अली वर्दी खां है प्यारे दोस्तों, इसके समय ही क्या हुआ था, मराठों का आक्रमण हुआ था। उसके बाद अगर हम अगला पॉइंट देखते हैं, तो अगला पॉइंट भी काफी अच्छा है। तो उसमें क्या प्यारे दोस्तों, जो ये अली वर्दी खां था इसका कोई भी पुत्र नहीं था, और इसके कारण क्या होता प्यारे दोस्तों, इसके कोई पुत्र नहीं था, और इसकी सबसे जो छोटी पुत्री है उसके पुत्र को इसने क्या चुना, बंगाल का नवाब, ठीक है। क्या होता है प्यारे दोस्तों, जो अली वर्दी खां है इसका कोई पुत्र नहीं था, पुत्र नहीं था, और इसकी जो छोटी पुत्री थी उसके पुत्र को बंगाल का नवाब बना देता है, ठीक है दोस्तों। ये क्या करता था, इसकी कोई पुत्री नहीं, इसका कोई पुत्र नहीं था,
तो इसकी वजह से क्या करता है, जो इसकी सबसे छोटी पुत्री है उसके पुत्र को बंगाल का नवाब बना देता है, ठीक है। और उसके बाद में अली वर्दी खां जो है वो क्या बोलता है कि जो यह है यूरोपियन है, जो यूरोपियन है ये क्या है, मधुमक्खी है, मतलब कि एक मधुमक्खी की तरह है, ठीक है। जो इसका एक कथन है प्यारे दोस्तों, कथन है किसका, अली वर्दी खां का, कि जो यूरोपियन है, तो यूरोपियन है ये क्या है, मधुमक्खी, ये क्या है प्यारे दोस्तों, मधुमक्खी है, ठीक है। उसके बाद प्यारे दोस्तों जो ये है सबकी छोटी पुत्री का पुत्र को बंगाल का नवाब बना देता है, और वो कौन था प्यारे दोस्तों, बंगाल का नवाब बनता है जो, वो था प्यारे दोस्तों हमारा सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला सबसे छोटी पुत्री का पुत्र, सिराजुद्दौला क्या करता है प्यारे दोस्तों, बंगाल का नवाब बना देता है। तो एक बार सभी इसको राइट डाउन करेंगे, उसके बाद में आगे देखते हैं। अपनी सबसे छोटी पुत्री के पुत्र को बंगाल का नवाब बना देता है, और बंगाल का नया नवाब बना दिया जाता है दोस्तों, कौन होता है, सिराजुद्दौला, जो 1756 से 1757 तक रहता है, ठीक है। बंगाल का नया नवाब कौन बन गया दोस्तों, अब सिराजुद्दौला 1756 से 57 तक, ठीक है। 1756 से लेकर के 57 तक एक बंगाल का नया नवाब बन जाता है, कौन, सिराजुद्दौला। प्यारे दोस्तों जो सिराजुद्दौला है इसका विरोध करते हैं इसके फैमिली वाले, ठीक है। तो सबसे पहले इसका विरोध कौन करती है प्यारे दोस्तों, घसीटी बेगम, ठीक है। कौन करती है प्यारे दोस्तों सबसे पहले विरोध, जो है सिराजुद्दौला था इसका सबसे पहले विरोध किसने किया, घसीटी बेगम, ने प्यारे दोस्तों इसका सबसे पहले विरोध किया, जो कौन थी, जो इसकी चाची थी, ठीक है। जो यहाँ सिराजुद्दौला था इसकी चाची थी, इसकी चाची ने इसका विरोध किया। और भी था प्यारे दोस्तों जिसने इसका विरोध किया था, दूसरा था मीर जाफर, ठीक है। और कौन था प्यारे दोस्तों, एक था इसका शौकतगंज, जो चचेरा भाई था, ठीक है, मीर जाफर, था प्यारे दोस्तों। और कौन था, शौकतगंज, जो इसका क्या था प्यारे दोस्तों, चचेरा भाई। तो ये सभी क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, जो सिराजुद्दौला है इसका विरोध करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद प्यारे दोस्तों क्या करता है, जो 1756 के अंदर ये मनिहार युद्ध में शौकतगंज को मार देता है, ठीक है। उसके बाद प्यारे दोस्तों 1756 के अंदर मनिहार युद्ध होता है, उसके अंदर प्यारे दोस्तों क्या करता है, शौकतगंज को मार देता है। सत्रह सौ छप्पन के अंदर प्यारे दोस्तों मनिहारी का, युद्ध होता है, और उसमें क्या है प्यारे दोस्तों, शौकतगंज को यह मार देता है। उसके बाद में क्या करता है, फिर 1756 से लेकर के 63 तक सप्तवर्षीय युद्ध चलता है। क्या चलता है प्यारे दोस्तों, 1756 से लेकर के 63 तक क्या चलता है प्यारे दोस्तों, सप्तवर्षीय युद्ध, ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध चलता है। उसके बाद प्यारे दोस्तों आगे देखेंगे, आगे देखेंगे प्यारे दोस्तों, उसके बाद में आगे क्या होगा, राइट डाउन कर लेंगे सभी। इस बीच प्यारे दोस्तों जब यह मनिहार का युद्ध हुआ ना, तो इसमें एक पॉइंट मिस हो गया था, एक बार देख लो। जब यह मनिहार का युद्ध हुआ तो यूरोपियन ने क्या सोचा कि यही, ये दोनों तो लड़ाई करने लग रहे हैं, इनका तो युद्ध हो रहा है, तो यही हमारे पास एक अच्छा तरीका है कहां, बंगाल के अंदर एंटर करने का। तो इसने क्या कर दिया, जो यह यूरोपियन है इन्होंने बंगाल के अंदर एंटर करके और एक जमीन ली और उसमें चारों तरफ किलेबंदी करनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद में प्यारे दोस्तों क्या होता है, जो यह सिराजुद्दौला है यह भड़क उठता है प्यारे दोस्तों सिराजुद्दौला, और यह क्या करता है, यह 20 जून 1756 को ब्लैक होल काल कोठरी की घटना हुई थी, ठीक है। जो ब्लैक होल काल कोठरी की घटना, इसे बताते हैं प्यारे दोस्तों क्या थी ये सिराजुद्दौला। प्यारे दोस्तों जो यूरोपियन थे वो काफी समझदार थे, उन्होंने क्या सोचा कि इन दोनों का झगड़ा हो रहा है, इन दोनों का युद्ध हो रहा है, इस बीच हम अपना कब्जा कर लेते हैं, कोई ना कोई जगह लेकर के उस पर चारों तरफ किलेबंदी कर देते हैं। लेकिन क्या होता है प्यारे दोस्तों, यह जब बात पता चलती है सिराजुद्दौला को, तो वह क्या करता है, 20 जून 1756 को ब्लैक होल काल कोठरी की घटना यह करवा देता है दोस्तों, काल कोठरी घटना करा देता है ब्लैक होल की, ठीक है। 20 जून 1756 को, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लेंगे, काफी बार पूछ जाती क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर काफी बार आता है क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। तो आगे क्या करता है इसके अंदर प्यारे दोस्तों, जो यह जो ब्लैक होल की घटना है प्यारे दोस्तों, इसका जिक्र,
इसका जिक्र किसने किया प्यारे दोस्तों, तो इसका जिक्र किया है प्यारे दोस्तों हमारा, वो किया है होलवेल ने, ठीक है। किसने किया है? होलवेल कोई था यूरोपियन, तो इसका जिक्र किसने किया है प्यारे दोस्तों, इसका जिक्र किया है होलवेल ने, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है प्यारे दोस्तों, इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर जो ये है सिराजुद्दौला ये क्या करता है प्यारे दोस्तों, 146 लोगों को बंद कर देता है, 146 लोगों को बड़ा क्रूर शासक था ये, तो ये क्या करता है 146 लोगों को काल कोठरी के अंदर बंद कर देता है, ऊपर नीचे ऐसे ही डूस डूस के भर देता है पूरा। और जब प्यारे दोस्तों सुबह होने पर खोला जाता है उन्हें, उन्हें कमरे को चेक किया जाता है उस काल कोठरी को, तो उसके अंदर केवल मात्र 23 जिंदा होते हैं। कितने जिंदा होते हैं? 23 जिंदा मिलते हैं। जब सुबह प्यारे दोस्तों इस काल कोठरी को खोला जाता है तो केवल इसके अंदर से प्यारे दोस्तों 23 जिंदा निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है प्यारे दोस्तों, जो फरवरी 1757 में अंग्रेजों ने क्या किया, एक चंदनगर पर कब्जा कर लिया, ठीक है, 1757 के अंदर, 1757 और 1757 के अंदर अंग्रेजों ने चंदनगर पर कब्जा, 1757 के अंदर प्यारे दोस्तों अंग्रेजों ने क्या किया, चंदनगर पर कब्जा कर लिया। इस कारण से यह दबाव में आ जाता है और क्या करता है, अली नगर की संधि, ठीक है, क्या करता है प्यारे दोस्तों, अली नगर की संधि करने के लिए तैयार हो जाता है। कौन? जो बंगाल का नवाब होता है, ठीक है। कहां की संधि? अली नगर की संधि। उसके बाद बंगाल का नवाब क्या करता है प्यारे दोस्तों, वो क्या होता है, अली नगर की संधि करने के लिए तैयार हो जाता है प्यारे दोस्तों। और उसके अंदर क्या होता है प्यारे दोस्तों, अंग्रेज कुछ छूट चाहते हैं, तो कौन कौन सी छूट थी प्यारे दोस्तों, उन्होंने इस संधि के अंदर अधिकार पा लिए, ठीक है, अंग्रेजों ने अधिकार पाए थे इस संधि के अंदर। क्या क्या अधिकार थे? एक तो अधिकार सबसे पहला था प्यारे दोस्तों, कौन सा था, वो था किले बनाने का, ठीक है। सबसे पहला अधिकार कौन सा था? किले बनाने का। जो सबसे पहला अधिकार था अंग्रेजों का कौन सा मिला था इस संधि के अंदर, किले बनाने का। और दूसरा कौन सा था? सिक्के डालने का, सिक्के डालने का, ठीक है। तो ये दोनों अधिकार है प्यारे दोस्तों किससे मिले थे, अली नगर की संधि से अंग्रेजों को मिले थे, ठीक है। उसके बाद प्यारे दोस्तों क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है, कब? 23 जून 1757 के अंदर। उसके बाद में क्या होता है प्यारे दोस्तों, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 के अंदर, ठीक है। 23 जून 1757 के अंदर प्यारे दोस्तों प्लासी का युद्ध होता है, और ये किस किस के बीच में होता है, सिराजुद्दौला, मीर जफर, मीर मदान और वर्सेस क्लाइव हार्ट, ठीक है। किस किस के बीच होता है प्यारे दोस्तों ये जो प्लासी का युद्ध होता है, मीर जफर, सिराजुद्दौला और किसके बीच में होता है प्यारे दोस्तों, और भी थे एक दो, और किसके विरुद्ध होता है प्यारे दोस्तों, ये होता है क्लाइव हार्ट के विरुद्ध, ठीक है, क्लाइव हार्ट। प्यारे दोस्तों एक तरफ तो मीर जाफर, सिराजुद्दौला और एक मीर मदान, ठीक है, और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव हार्ट, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से। एक तरफ थे प्यारे दोस्तों 50,000 की संख्या में सेना, और दूसरी तरफ थी प्यारे दोस्तों 32,000 सेना, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या होता है, हार जाता है, वो कैसे हारता है, सिराजुद्दौला को मार दिया, जो मीर जाफर था प्यारे दोस्तों, इसके बेटे ने किसको मार दिया, सिराजुद्दौला को। इससे दबाव हो गया और इसके कारण क्या होता है प्यारे दोस्तों, जीत होती है क्लाइव हार्ट की, ठीक है। और जो मीर जाफर, फिर उसके बाद है प्यारे दोस्तों जो क्लाइव हार्ट है वो किसको नवाब बना देता है बंगाल का, वो बनाता है प्यारे दोस्तों मीर जाफर को, ठीक है। लेकिन प्यारे दोस्तों मीर जाफर क्या था, एक अयोग्य था, तो इसके कारण इसका ज्यादा कुछ है नहीं, मीर जाफर को बना देता है प्यारे दोस्तों। उसके बाद एक कौन आता है, मीर जाफर, ये क्या था प्यारे दोस्तों, अयोग्य, ठीक है, ज्यादा दिन तक नहीं रहा प्यारे दोस्तों। और उसके बाद में तुरंत कौन आता है, मीर कासिम, ठीक है। उसके बाद में कौन आता है दूसरा, मीर कासिम। जो मीर कासिम आता है प्यारे दोस्तों, ये कब आता है, 1760 से 1763 तक, ठीक है। मीर कासिम कब आता है प्यारे दोस्तों, 1760 से 1763 तक, और उससे ऊपर जो मीर जाफर था ये कब था, 1757 से 1760 तक, 1757 से 1760 तक कौन था, मीर जाफर। और उसके बाद 1760 से लेकर 1763 तक कौन आ गया था, मीर कासिम। तो क्या होता है प्यारे दोस्तों, जो मीर कासिम आया था 1760 में मुंगेर की संधि, इसके समय प्यारे दोस्तों 1760 में क्या हुई थी, मुंगेर की संधि,
जो मुंगेर की संधि हुई थी किसके साथ, किस कौन था नवाब बंगाल का उस टाइम पर, मीर कासिम था, ठीक है। और क्या होता है दोस्तों, जो राजधानी पहले मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की, और जो पहले राजधानी क्या थी प्यारे दोस्तों, मुर्शिदाबाद, और उससे जो राजधानी नहीं बनती है वो कौन सी बनती है, मुंगेर, ठीक है। मुंगेर स्थापित कर देता है राजधानी, नहीं है नहीं, राजधानी क्या स्थापित कर दी प्यारे दोस्तों इसने, मुंगेर। उसके बाद प्यारे दोस्तों कहा जाता है फिर से जो मीर जफर है वो फिर से आता है, कब आता है, 1763 से 1765 के अंदर। पहले आया मीर जफर, फिर मीर कासिम, और फिर दोबारा से कौन आता है प्यारे दोस्तों, मीर जफर, दो बार आता है प्यारे दोस्तों। कब आता है, 1763 से लेकर के, और फिर प्यारे दोस्तों कब तक रहता है, 1763 से लेकर के, फिर रहता है प्यारे दोस्तों 1765 तक, ठीक है। 1763 से लेकर के कब तक रहता है, 65 तक, कौन, मीर जाफर फिर से। लेकिन प्यारे दोस्तों उसके बाद में क्या होता है, जो मीर शाह जाफर आ जाता है बंगाल का नवाब फिर से, तो क्या होता है प्यारे दोस्तों, एक युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। उस टाइम क्या होता है प्यारे दोस्तों, फिर बक्सर का युद्ध होता है, जो कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 के अंदर क्या हुआ था प्यारे दोस्तों, बक्सर का युद्ध। और प्यारे दोस्तों कहा जाता है किस किस के बीच हुआ था ये हुआ था प्यारे दोस्तों किस किस के बीच, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नया जो प्यारे दोस्तों आया था, कौन मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी का, कौन था, हेक्टर मुनरो। जो प्यारे दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था, हेक्टर मुनरो, और मीर कासिम जो बंगाल से था, मुनरो वर्सेस मीर कासिम जो कि बंगाल से था, और हेक्टर मुनरो, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था, और एक और कौन था, सुजाउद्दीन जो अवध से था, और एक सहालम, ठीक है, इन सभी था। इन सभी के बीच में बक्सर का युद्ध होता है प्यारे दोस्तों, और जीत किसकी होती है प्यारे दोस्तों, लेकिन जीत होती है प्यारे दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, जो लड़ा था कौन था, हेक्टर मुनरो, इसकी प्यारे दोस्तों जीत होती है। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों, एक बार इसको इरेज कर देते हैं, सभी ने राइट डाउन कर लिया, वो इरेज कर देते हैं। चलो आगे देखते हैं, तो आगे क्या होता है प्यारे दोस्तों, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो हेक्टर मुनरो होता है उसकी जीत हो जाती है, और उसके बाद में क्या होता है प्यारे दोस्तों, इलाहाबाद की संधि होती है। क्या होती है प्यारे दोस्तों, इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की दो संधि हुई थी, पहली और दूसरी संधि, ठीक है। इलाहाबाद की कितनी संधि हुई थी प्यारे दोस्तों, दो संधि हुई थी, पहली और दूसरी। पहली हुई थी प्यारे दोस्तों 12 अगस्त 1765, और दूसरी 16 अगस्त को। पहली कब हुई थी, 12 अगस्त 1765, और दूसरी कब हुई थी, पहली 12 अगस्त को, और दूसरी हुई थी प्यारे दोस्तों 16 अगस्त को, ठीक है, 16 अगस्त 1765 को। तो ये दोनों संधि हुई थी प्यारे दोस्तों इलाहाबाद की, एक तो 1765 में और एक 1765 में, दोनों 1765 में हुई थी, एक 12 अगस्त को और एक 16 अगस्त को, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों आप पूछते हैं इस संधि में क्या क्या हुआ था इलाहाबाद की संधि के अंदर, ठीक है, जो पहली संधि में क्या हुआ और दूसरी संधि में क्या हुआ था, तो ये सब हम पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए प्यारे दोस्तों इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।